सेयन वॉरियर्स चप्पल्स या फिर फ्लिप फ्लॉप्स लड़कों के लिए अनडाउटेबली सबसे कंफर्टेबल फुटवेयर है, बट क्योंकि मार्केट में फ्लिप फ्लॉप्स के इतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिस वजह से लड़के कंफ्यूज होके अजीब सी गंदी दिखने वाली चप्पल घर ले आते हैं। इसीलिए मार्केट की हर एक चप्पल को एनालाइज करने के बाद एक अल्टीमेट चप्पल या फिर फ्लिप फ्लॉप गाइड आपके लिए लेके आया हूं। और वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में आपको मैं फ्लिप फ्लॉप्स के साथ पहनने के लिए कुछ कंफर्टेबल आउटफिट्स प्लस सबसे थर्ड क्लास चप्पल फैशन मिस्टेक्स भी डिस्कस करूंगा, तो पूरी वीडियो जरूर से एंड तक देखना। सबसे इम्पोर्टेंटली हम कुछ फ्लिप फ्लॉप स्टाइलिंग रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट रूल के हिसाब से, क्योंकि चप्पल एक एक्सट्रीमली कैजुअल घर पे पहनने वाला फुटवेयर है, तो इसे आप स्ट्रिक्टली घर पे या फिर बिल्कुल आसपास मार्केट में पहनने के अलावा कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे। यह छोटी सी गलती आपका पूरा आउटफिट खराब कर देगी हर जगह। रूल सेकंड, जहां तक इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ऑब्वियसली इसे आपको एक्सपेंसिव लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली इतनी भी सस्ती मत ले लेना कि वो आए दिन टूट रही है और आपको चेंज करनी पड़ रही है। रूल नंबर थर्ड, डार्क कलर से इसमें प्रेफर करना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि ये कैजुअली बहुत रफ यूज में आती है, तो लाइट कलर की चप्पल्स बहुत जल्दी बहुत गंदी दिखती है। और बाय चांस आपने चमकीली अजीब सी कलर की चप्पल ले ली, तो फिर तो रूल फोर्थ, अब आप चप्पल पहन ही रहे हो तो ऑब्वियसली लोगों की नजर कभी ना कभी आपके पैरों पे जाएगी ही, इसलिए अपने पैरों के नाखून रेगुलरली काटना मत भूलना और जंगली बन के मत घूमना। रूल फिफ्थ, पेयरिंग की बात करें तो इसे आप बिल्कुल कैजुअल शॉर्ट्स, जॉगर्स, कार्गोज या फिर जीन्स के साथ इंडोर्स पेयर कर सकते हैं, और कोई भी कैजुअल अपरवेयर जैसे कि टी शर्ट्स, पोलोस, हैनलीज, कैजुअल शर्ट्स या फिर क्यूबन कॉलर्ड शर्ट्स इसके साथ पहनना। वहीं भले ही सर्दी हो या फिर गर्मी, इसके साथ कॉटन या फिर वूल के बिल्कुल सॉलिड सॉक्स ही पहनना। रंग बिरंगे या फिर फेक लोगोज वाले सॉक्स अवॉइड करना। रूल नंबर सिक्स, बारिश, ट्यूशंस, प्रॉपर मार्केट या फिर इवेंट में पहन के इसको मत चले जाना, आपकी ड्रेसिंग सेंस की सारी मेहनत सारी इंप्रेशन पे पानी फिर जाएगा। इनकी जगह अगर आपको कुछ बिना लेस वाला पहनना ही है तो आप कैनवास लोफर्स पहन सकते हैं, जो कि स्टाइलिश, इजी टू वेयर और कंफर्टेबल भी रहते हैं। चलो अब एक एक करके सारी चप्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है सुपर बेसिक हवाई टॉयलेट वाली चप्पल्स। ये भले ही सारी चप्पलों की किंग होगी, बट इसको स्ट्रिक्टली टॉयलेट में और अपने घर के अंदर चार दीवारी में पहनने के अलावा आपने अगर कहीं बाहर पहन लिया तो आप बहुत बड़ा क्राइम कमिट कर दोगे। इसके साथ साथ पतले स्ट्रैप वाले डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में इसके जैसे ही दिखने वाले जो चप्पल्स हैं, वो भी आप डेफिनेटली घर के अंदर ही पहनना, क्योंकि वो स्टाइलिश और कंफर्टेबल तो डेफिनेटली नहीं होते। सेकंड टाइप की चप्पल है स्लाइड्स। ये सब में से मेरी पर्सनल फेवरेट है, जिसे आप घर के अंदर या फिर नियर बाय मार्केट प्लेस पे भी पहन सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आपने स्किनी जीन्स पहन के KTM बाइक के ऊपर बाजार में इसको अगर पहन लिया, तो इसके अलावा इसमें ऑब्वियसली आप लाइट या फिर चमकने वाले कलर्स अवॉइड करेंगे। फेक लोगोज वाले फर्स्ट कॉपी स्लाइड्स तो बिल्कुल मत लेना, और विंटर्स में आप इन्हें सॉलिड सॉक्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं। नंबर थर्ड है नाइट टाइम स्लिपर्स। ये सबसे कोजी कंफर्टेबल स्लिपर्स काफी कंफर्टेबल होती हैं, बट स्ट्रिक्टली आप इन्हें घर के अंदर ही पहनेंगे, क्योंकि घर के बाहर ये बिल्कुल आलसी सा लुक देती है, प्लस बहुत जल्दी पानी कीचड़ में स्पॉइल भी हो जाती है, इसलिए इन्हें मत पहनना बाहर। नंबर फोर्थ, थिक स्ट्रैप्ड फ्लिप फ्लॉप्स। ये नंबर फर्स्ट ऑप्शन यानी कि हवाई चप्पल्स का ही स्पेसिफिकली लड़कों के पहनने के लिए एक कॉमन फ्लिप फ्लॉप ऑप्शन है। इसे भी आप इंडोर्स या फिर आसपास मार्केट में पहन सकते हैं, बट इनमें अजीबोगरीब अतरंगी कलर्स मत लेना, इन्हें डार्क कलर के सोबर ही रखना। नंबर फिफ्थ, क्लॉग्स। अब देखो, क्लॉग्स या फिर क्रॉक्स मेरे को पर्सनली इतने अच्छे नहीं लगते, बट ये सुपर कंफर्टेबल और ट्रेंड में भी है आजकल, जिन्हें आप डार्क कलर में डेफिनेटली घर या फिर आसपास पहनने के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इंडियन सैंडल्स। स्टैंडर्ड लेदर लुक अलाइक इंडियन सैंडल्स कैजुअल वेयर के लिए इतनी स्टाइलिश नहीं है, डिसेंट है, बट ये चप्पल्स ट्रेडिशनल वेयर कुर्ते पजामे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, जिनमें आप बिल्कुल सिंपल पैटर्न्स, कोल्हापुरी चप्पल्स या फिर क्रॉस स्ट्रैप्ड स्लिपर्स भी यूज कर सकते हैं। एंड नंबर सेवेंथ, इन सारे ऑप्शंस के अलावा कुछ ऐसी दिखने वाली चप्पल्स जो कि थोड़ी फेमिनिन टाइप दिखती हैं या फिर बिल्कुल ही ओल्ड स्कूल दादाजी टाइप दिखते हैं, उन्हें आप किसी भी हालत में अवॉइड करना। इनकी जगह आप ये ऑप्शंस फिर भी ऑप्ट कर सकते हो, जो कि लड़कों पे काफी डिसेंट भी लगते हैं। फाइनली वीडियो की बोनस टिप की कुछ घर पे पहनने लायक आउटफिट्स के लिए आप ये कुछ आउटफिट्स ट्राई कर सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा मिस्टेक्स की बात करें तो स्पेशली वो बच्चों वाली सैंडल्स किसी भी हालत में अवॉइड करना, वो पूरी आउटफिट की बारह बजा देंगे। सेकेंडली फर्स्ट कॉपीज वाली चप्पल्स भी अवॉइड करना, किसी दिन पब्लिक में उनका लोगो उखड़ा तो आपकी इज्जत भी उखड़ जाएगी। नंबर थर्ड, कभी महीनों में अपनी चप्पल को भी क्लीन कर लिया करो, गंदे फ्लिप फ्लॉप्स अगेन आपको काफी शैबी दिखा सकते हैं। वीडियो में बताए हुए प्रोडक्ट्स के बेस्ट पॉसिबल लिंक्स स्क्रीन पे व्यू प्रोडक्ट्स ऑप्शन पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को जरूर से फॉलो करो, उधर भी जबरदस्त हेल्पफुल कॉन्टेंट देखने के लिए।